Yes, greetings of the students. Today we are going to start our first poem of 10th standard, Dust of Snow. NCERT जो books हैं उसमें first poem है 10th class में Dust of Snow. आज हम first poem करेंगे. अब से 10th का और 12th board classes का full syllabus यहाँ पे करवाया जाएगा. देखिए Dust of Snow. Dust क्या होता है? किसी भी चीज के बिल्कुल बारीक particles, spaces जो होते हैं उसको बोलते हैं. और यहाँ जो dust है वो क्या है? किस चीज से है? स्नो मीन स्नो के जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बोला गया है यहाँ डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. यहाँ स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है, जो पॉइट है वो काफी सैड मूड में है और वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और वो क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है. सपोज दैट ये एक ट्री है और यहाँ ये हेमलॉक ट्री है और इसके नीचे यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो सैड मूड में बैठा है. और तभी क्या होता है कि इस हेमलॉक ट्री पे एक क्रो आके बैठता है और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये हिल जाती हैं. और विंटर सीजन है, ब्रांचेस के हिलने से यहाँ से जो स्नो पार्टिकल्स हैं, बारीक बारीक कण हैं जो बर्फ के स्नो के, वो इसके ऊपर गिरते हैं. तो इसका मूड चेंज हो जाता है, वो जो सैड मूड में था अब वो हैप्पी मूड में आ जाता है. ठीक है, तो उसी पे पोएट ने क्या किया, पोएम फ्रेम कर दी. वो कह रहा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, किस तरह से एक क्रो जो है वो आया, उसने उस ट्री को हिला दिया और हिलाने पे क्या हुआ, डाउन ऑन मी, मेरे पे क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो जो है, बारीक पार्टिकल्स हैं जो स्नो के, वो मेरे ऊपर गिर गए. कहाँ से गिरे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक क्या होता है, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, पॉइजनस जिसको हिंदी में हम सरल पेड़ भी बोल देते हैं और धतूरा भी बोल देते हैं. ठीक है, धतूरा भी बोल देते हैं इसको. ये एक पॉइजनस ट्री है, इसके नीचे जो है हमारा पॉइट बैठा होता है सैड मूड में. तो कहता है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किस तरह से एक क्रो आया और उसने उस ट्री को हिला दिया, हिलाने पे जो बर्फ उस पेड़ की टहनियों पे थी वो मेरे ऊपर आके गिर गई. और फिर क्या हुआ उसे, सेकंड पैसेज देखिए, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसने मेरे जो मूड था, सैड मूड में था स्टार्टिंग में, पोएट जो है यहाँ सैड मूड में बैठा होता है, तो उसके मूड को वो चेंज कर देता है. क्या चेंज करता है, हैज गिवन माय हार्ट, मींस मेरे हार्ट को क्या कर देता है, अ चेंज ऑफ मूड, मूड मेरा चेंज कर देता है. कौन सा मूड था पहले, स्टार्टिंग में सैड मूड था, अब कैसा मूड है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड हर्ड. और मेरा कौन सा पार्ट, कौन सा दिन, एंड सेव सम पार्ट, कौन सा पार्ट बचा लिया, ऑफ अ डे, दिन का वो पार्ट बचा लिया जो वरना ये भी पॉइंट खराब कर देता, इसमें खराब कर देता. अब वो पहले सैड मूड में बैठा है, अगर क्रो पेड़ पे आके न बैठता, उससे वो जो स्नो है वो पॉइंट के ऊपर आके ना गिरती, तो उसका मूड सैड ही रहता, मीन्स पूरा दिन उसका मीन्स वेस्ट हो जाता. अब क्रो वहां आगे बैठ गया है, उसका मूड सेट हो गया, बर्फ ऊपर से गिरती है, मूड सही हो गया, मींस जो उसका दिन वेस्ट हो जाना था, मींस वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाना था, उसको डिस्ट्रॉय होने से उस क्रो ने बचा लिया. अब देखो ये पोयम हमें कहना क्या चाहती है ये बाद में बताती हूँ, इससे पहले ये देखो कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है. अब देखिए राइमिंग स्कीम, राइम स्कीम क्या है इसकी, हमें देखो लास्ट वर्ड देखना होता है, लास्ट वर्ड है क्रो, इसका लास्ट वर्ड है मी, नेक्स्ट वर्ड है स्नो और यहाँ है ट्री. अब किसकी राइम, राइम इज तुक, कौन से वर्ड की तुक किससे मिल रही है, क्रो स्नो, जो फर्स्ट साउंड होती है ना उसको हम नेम देते हैं अ, अ का नेम दिया. सेकंड अगर इससे मिलती है तो हम अ नेम देंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम बी. तो इसको क्रो और मी की दोनों की साउंड नहीं मिलती है, जैसे हम कहते हैं ना रोटी बोटी पानी धानी दोनों की तुक मिल रही है, यहाँ उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम. तो क्रो और मी की नहीं मिल रही है, क्रो फर्स्ट
फर्स्ट वर्ड है, हमने दिया ए। आप क्रो के जैसा देखो फर्स्ट पैसेज में, ये जो फर्स्ट पैसेज है इसमें क्रो के जैसा कौन सा वर्ड बोला जा रहा है? क्रो स्नो, क्रो स्नो दोनों एक जैसे बोले जा रहे हैं, तो हम इसको भी अ देंगे। अब दूसरा है मी, मी के जैसा इस पैसेज का कौन सा बोला जा रहा है? ट्री, मी ट्री। लास्ट जो ई साउंड है वो सेम सेम आ रही है, तो हम इसको बी दिए तो इसको भी बी देंगे। तो फर्स्ट पैसेज की राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी, ठीक है। अब देखो यहां इनको कोमा लगा के नहीं लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। राइमिंग स्कीम को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ए बी ए बी। अब दूसरे पैसेज की भी देखो, हार्ट पार्ट, इसको भी ए दिया इसको भी ए, सेम बोला जा रहा है ना रोटी गोटी की तरह। हार्ट पार्ट, मोज रूट, ठीक है, मोज रूट, तो हम इसको क्या देंगे? बी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई इस पैसेज की भी? इसकी राइमिंग स्कीम भी हुई ए बी ए बी। और पोयम की पूरी की राइमिंग स्कीम हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? पोयम की पूरी की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? ए बी ए बी। अब देखिए आपसे एग्जाम में लिटरेरी टर्म्स भी पूछी जाती हैं। अब लिटरेरी टर्म्स देखिए कौन कौन सी होती हैं। लिटरेरी टर्म्स मीन्स जो पोयम है, जो कुछ भी लिटरेचर में लिखा हुआ है उसको किस तरह से फिगरेटिव बनाया गया है, किस तरह से उसको सुंदर और अच्छा बनाया गया है। द वे ऑफ क्रो, यहाँ कोई नहीं है। शूक डाउन ऑन मी, यहाँ भी कोई लिटरेरी टर्म नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम। देखो यहाँ दो टू कंटिन्यू वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो रही है, सेव्ड सम, दोनों में सेम साउंड आ रही है ना, मैं यहां लिख देती हूं सेव्ड और सम। दोनों देखो, दोनों की दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर की साउंड है जो सेम है। अगर टू और थ्री कंटिन्यूस लेटर की स्टार्टिंग साउंड है, जो इनिशियल साउंड है वो सेम है, तो वहां हमारा होता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ कौन सा लिटरेरी टर्म पूछा गया है? कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि यहाँ पर ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया हुआ है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सेव सम में ऐसा साउंड रिपीट होने की वजह से एलिट्रेशन, ठीक है। ऑफ अ डे आई हैज रच, अब बाकी और इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, अब इतना ही है इस पॉइंट में। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।